डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका साईं वाणी में स्वागत। और मैं आज खासकर सभी पूरे विश्व के साईं भक्तों को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि दिन ब दिन ये सब काम बढ़ते ही जा रहा है और बड़ी खुशी होती है। हम हल्के होते जा रहे हैं, काम बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा समस्याएँ कम होती जा रही है। प्रश्न तो वही के वही थे पहले, बट अभी बहुत सारे प्रश्न कम होने लगे हैं और उनके उत्तर उनको खुद को ही मिल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो ध्यान धारणा है, ये ऐसी साधना है, ऐसी शक्ति है, ऐसा अभ्यास है जिसको लगातार करने से आपको फल मिलता है। लेकिन वो लगातार करने का जो धैर्य होता है, खासकर साईं वाणी का लक्ष्य ही यही है कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आना। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति अड़िग होकर हमने जो प्रयास शुरू किया और उसको जहाँ तक लोगों तक हम लेके गए, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से हमें सहयोग मिल रहा है, इस बात की खुशी है। मैंने बहुत पहले कहा था कि भारत एक देव भूमि है, शक्ति और भक्ति की भूमि है, और इस पूरे विश्व में भारत का नाम अजरामर होने के लिए हमें बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी कलाएं, जैसे कि भगवद गीता है, जैसे कि भगवान कृष्ण है, जैसे कि मैं कहूँगा हर जाति धर्म के लिए, चाहे वो फिर जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग हैं, मौलाना को मानने वाले लोग हैं, मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, दादू को मानने वाले लोग हैं, कबीर को मानने वाले लोग हैं, कच्छिंदावस्था जैसे बहुत सारे सारे ऐसे धर्म ग्रंथ भी है, महान पुरुष भी है, और इसी विविधता के साथ भारत देश बना हुआ है। साईं वाणी, साईं क्रिया, साईं ध्यान और साईं योग। योग को जब हमने 2 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया, निजी स्वच्छता में योग का महत्व बहुत है। पहले हम अपने शरीर की, मन की, विचारों की स्वच्छता करें, काया वाचा मन, उसके बाद हम अपने घर की स्वच्छता करें और हम जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर को पहले स्वच्छ रखें, क्योंकि पूरा भारत देश ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। एक बूंद होती है और जब वो समंदर में मिलती है तो वो बूंद नहीं रहती, वो समंदर हो जाती है। उसी प्रकार एक एक अपने घर का और अपने परिसर को, अपने जो हम जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह में हम रहते हैं, उसको भी हमने हर एक ने संकल्प लिया, दृढ़ता के साथ संकल्प लिया, तो पूरा देश स्वच्छ होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि स्वच्छता ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो मन की हो, चाहे विचारों की हो, चाहे वो किसी भी शरीर, मतलब शरीर की हो, या किसी भी संस्था की हो, ऑफिसेस की हो, कार्यालयों की हो, घरों की हो, सरकारी दफ्तरों की हो, कहीं की भी हो, उद्यानों की हो, बगीचों की हो, रस्तों की हो। देखो अब जब बाहर के देश के फोटो भी हम गूगल में देखते हैं, अभी मैं तो 20-22 राज्यों में, देशों में, बाहर के बहुत सारे जगह में मैं जाके आया हूँ, मैंने देखा वहाँ कितनी सुंदरता है। सुंदरता यहाँ भी है, हमारी नदी देखेंगे और वहाँ की नदी देखेंगे तो फर्क इतना ही है कि मानव ने यहाँ नदियाँ खराब कर दी है। नदी तो सुंदर ही होती है। उस प्रकार मैं एक चांद बहुत अच्छी तरह से यहाँ सबके लिए एक संदेशा देना चाहता हूँ, जो आज का प्रश्न है, जो मिताली शंकर ने पूछा है। मिताली ने पूछा है कि वो मिताली 33 ईयर्स की एक महिला है और मेरी बहन ने, उसने मुझे पूछा है कि सुनील जी, मैं बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन मेरे से ध्यान होता ही नहीं है। कभी कभार 1-2 मिनट के लिए मैं शांत बैठने का प्रयास करती हूँ, हजारों विचार मन में आते हैं। आप हमें समझा दीजिए कि ध्यान की बाधाएं क्या है और ध्यान करके क्या फायदा होने वाला है। मैंने कहा है बहुत पहले, साईं वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। शिरडी के साईं बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है, जो मेडिटेशन के माध्यम से लोगों ने लक्ष्य शुरू किया है, और साईं वाणी का प्रारंभ भी इसी कार्य से हुआ है कि आपके जीवन में सकारात्मक सोच आए, बदलाव आए, और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें और तेजी से करें और अच्छा कार्य करें। मैं छोटी सी कहानी से बहन जी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। कहानी एक अंधे आदमी की है और वो अंधा आदमी एक राजा के एक दरबार में जाता है और उसको सजा दी जाती है, कुछ उसने गुनाह किया होता है, और वो सजा उसकी ये होती है कि उसके पास, राजा के पास एक महल होता है बहुत बड़ा, और उसमें
1000 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे के बाहर ऑल होती है, लेकिन एक ही 999 दरवाजे के सामने ऑल होती है, भिंत होती है। सिर्फ एक ऐसा दरवाजा होता है उसके सामने भिंत नहीं होती है, उसको वही से बाहर निकलना होता है। अभी वो तो थक जाता है, बट बाहर निकलने की हर कोई कोशिश करता है। वो उठता है, निकलता है, उसमें पहला दरवाजा खोलता है, बाहर जाता है, सर पे लग जाता है, पूरा लहू खून निकलता है, लहू लुहान हो जाता है। फिर दूसरी बार वैसे करता है, फिर तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है, 500 बार करने के बाद उसका हौसला कम होने लगता है। 999 बार के समय में 900 टाइम वो करता है, 900 टाइम के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है अभी दरवाजा मैंने खोला है, बाकी आगे धड़कने से तो क्या सर को ही लगने वाला है और खून ही निकलने वाला है, तो इससे ऐसा करता है कि फिर से दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे की तरफ चला जाता है। कहानी है, बट समझ लीजिएगा, उस समय ही वो जो दरवाजा उसने जो टाला, जो समझा कि अभी मैं थक गया हूं, मुझे लगने वाला है, मुझे सर को लगेगा, फिर से खून आएगा, और वो थक चुका है, मन से हार चुका है। ध्यान करने वाले लोगों का यही समस्या होती है कि वो मन से बहुत बार हार जाते हैं, प्रयास ही ठीक से करते हैं। बराबर है, आप आंधे हैं, आपको ध्यान पता नहीं है। जिस दिन ध्यान पता चलेगा, मैं लिख के देता हूं आपको, आपका लक्ष्य और आपकी विचारधारा उसी के प्रति चलेगी, आपकी पूरी शक्ति उसी कार्य पे लगेगी और आप महान कार्य करने लायक बनोगे, काबिल बनोगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जियोगे, सुबह तक शाम तक वो ऊर्जा खर्च करोगे, दूसरे दिन रात को खा पी के सो जाओगे, दूसरे दिन उठोगे, फिर वही करोगे, यही करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ बड़ा काम नहीं होगा। इसीलिए 125 करोड़ का देश है, एक अलग तबाक की बात है, 140 करोड़ तक हम अभी पहुंच गए, लेकिन मुझे बताओ ना कितने बार हमें ओलंपिक के गोल्ड मेडल मिले। मैं नहीं चाहता कि किसी से कंपटीशन करो, बट खुद को तो प्रूव करो, किसी से कंपटीशन करने की आपको जरूरत नहीं सिवाय आपकी। आपका आज का गुरु मंत्र है, आप सिर्फ अपने से कंपटीशन करो। किसी ने कितना ज्ञान प्राप्त किया इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। एक प्रयोग जो मैं अभी कहा, ये क्यों कह रहा हूं कि जब उसने 900 दरवाजे खोले, 901 दरवाजे के बाहर दरवाजा वॉल नहीं थी, भिंत नहीं थी, वो खुल के दीवार नहीं थी, वो खुल के बाहर जा सकता था, लेकिन उसने वहां जो थोड़ा सा उसको थकाना ही निगेटिव माइंड में चला गया, और निगेटिव माइंड में चलने के बाद वापस आया और फिर से उसने 999 दरवाजे के 1000 दरवाजे के चक्कर काटने पड़े। यही तो मैं चाहता हूं कि भाई और बहनों आप यही मत करो, जब दरवाजे हर समय प्रयास करो, उठ के एक दिन निकालो, एक घंटा एक समय में, एक 24 घंटे में एक घंटा निकालना, एक आओ एक 60 मिनट्स निकालना बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये साई योग का भी प्रयोग है, क्योंकि ये सब क्रियाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब गुल मिला के अभी 80 मिनट्स तक जाने वाली है सब काम। अगर आप ठीक से 80 मिनट्स मतलब एक मिनट एक घंटा 20 मिनट में लेना चाहूंगा, क्योंकि 20 मिनट मैंने अभी योग के बढ़ाया है, क्योंकि हर सूर्य नमस्कार से लेके अलग अलग आसन के प्रति मैं 2 तारीख से मैं शुरुआत करने वाला हूं, आगे जाके हम उसको प्रयास करेंगे, लेकिन प्रारंभ करो और जारी रखो का यह नारा जारी रहेगा। साई वाणी घर घर तक पहुंच रही इस बात की खुशी है, और ई कॉमर्स के माध्यम से मैंने 1000 करोड़ लोगों को व्यापार और उद्यम, उनकी कला को सेवा को संधि देने का भी प्रयास किया। इंडियन चैंबर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से उनको काउंसिलिंग हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे अपने लक्ष्य के लिए प्रति दौड़ रहे, इसी बात की खुशी है। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो मेरे बहन ने पूछा है कि ध्यान की बाधाएं क्या क्या है, सबसे पहली ध्यान की बाधा है कि आप खुद, आपका उतना धैर्य नहीं है, उतना साहस नहीं है, उतनी कंटिन्यूटी नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है आपके पास। साई बाबा ने सबसे पहला मंत्र दिया है श्रद्धा, मतलब ट्रस्ट, फेथ, सबूरी, पेशेंस। उसी प्रकार आपको किसी भी हालत में, जैसे मैंने पहले आज पंचसूत्री आपको देता हूं, ध्यान करने की 5 बाधाएं बोलता हूं और ध्यान करने के 5 फायदे बोलता हूं, आज की साई वाणी इसी मुद्दे पर पूरी हो जाएगी। सबसे पहला मुद्दा आप समझो, पहली बाधा है धैर्य कम है, दूसरी बाधा है हम करने का तहे दिल से प्रयास ही नहीं करते, तीसरी बाधा है, सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बाधा है, हमें उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है सिर्फ। हम देखो कुतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पाता। अगर सिर्फ आप क्यूरियोसिटी से देखोगे कैसे हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। अब जब उसमें कूदोगे, पानी में अगर तैरना है तो बुक पढ़ के या किसी नहर के किनारे पे खड़ा होकर आप सीख सकते हो क्या? क्या स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर आप पानी में तैरना सीख सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा आपको? पानी में कूदना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा। आप बहुत तहे दिल से सिद्धत से मांगते ही नहीं,
प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा में बहुत कुछ है और यही करते 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 आप मेडिटेशन के तौर पर चले जाओगे। बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु की भक्ति है, साधना है, ये विचारधारा है। मैंने जो प्रयास किया है और आज कम से कम हजारों करोड़ों लोगों के घर घर में साई वाणी बज रही है, लोग सुन रहे हैं साई ध्यान, साई क्रिया, साई योग और साई वाणी को सुनने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है उसमें से मैं तहे दिल बहुत शुक्रगुजार हूं। इसीलिए मैंने उनको पहले दिन में कहा था, यत्र योगेश्वर, जहां भगवान कृष्ण और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है और जहां नीतिमत्ता है वहां फल है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवा माम का पांडव अक्षेव किम कुर्वत संजया। ये जब अर्जुन पूछा था उनको कि क्या हो रहा है, तो यत्र योगेश्वर जब उन्होंने कहा आखिरी में श्लोक में, तो क्या कहा इसमें, कहा ये विजय पक्का है, ये विजय पक्का होने के लिए आपको चलना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूं मेरे साईवानी के सभी भक्तों को, भाइयों को, बहनों को और साधकों को कि आप सिर्फ प्रयास करो, आपको फल मिलने वाला है, आपको कोई नहीं रोकेगा। पांचवा और आखिरी जो समस्या है वो मैं कहूंगा, सबसे पहली बात आपको ये चीज कुतूहल से नहीं बल्कि दृढ़ता और संकल्प के साथ लेनी है। मुझे मैंने संकल्प किया है कि मैं ध्यान करके ही रहूंगा, ये तब जब तक आप बहुत कोशिश करके, गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी, 6 साल गौतम बुद्ध दर दर के भटकते रहे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर गए, कुछ नहीं मिला। जे 6 साल के बाद निरंजना नदी के पास जब एक महिला खीर लेके आ रही थी और जब बुद्ध वहां पूरे गिरे हुए पड़े हुए थे और जब उसने वो खीर खाई और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने बोला कि मैं इसी पेड़ के नीचे आज दृढ़ संकल्प करता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। मैंने वो बोधिसत्व की भी कहानी पहले बताई थी, आज फिर से कहूंगा। गौतम बुद्ध के जीवन में ये कहानी है, बोधिसत्व चाइना जाके जब प्रचार प्रसार करने लगे तो दीवार की तरफ मुंह करके बोलते थे, 8 साल हो गए बोधिसत्व ने कभी पीछे मुड़ के 2 घंटा जो भी लोगों को संबोधित करते थे, शिष्यों को संबोधित करते थे, नहीं किया। लेकिन 8 साल के बाद महापात्र आया और उन्होंने कहा मैं मेरा हाथ तोड़ के आपके सामने रखता हूं और नहीं आप पीछे मुड़िए मेरे तरफ देख के बोलिए नहीं तो मैं गला काट के रखूंगा। बोधिसत्व कहता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। कहानी का मतलब ठीक से समझो, जब तक आप इगर लिए सब चीजों को, खुद को नहीं, खुद को बदलने का प्रयास आपको खुद को अंदर से करना है। और मैं लिख के देता हूं कहानी के साथ, जब मैं कहता हूं तो आप इसका मतलब समझिए कि आपको खुद को बदलना है। कोई नहीं बदलेगा, कोई दूसरा आपको बदल नहीं सकता, कोई किसी की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ खुद को तय करना है कि मैं कैसे बदलूंगा। और याद रखना भाई और बहनों, आपको बदलने में कोई समय नहीं लगेगा जब आप ठान लोगे। अभी ये हो गई 5 समस्याएं, अभी फायदे आप समझिए। सबसे पहला फायदा, छोटी छोटी समस्याएं निकल जाएंगी। दूसरा फायदा, मन स्थिर होने के बाद आपके हाथ से क्रिएटिव काम होगा। तीसरा फायदा, सबसे महत्वपूर्ण, आप फिजिकली मेंटली इमोशनली हल्का और फिट महसूस करोगे, फ्रेश महसूस करोगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अपने जीवन के लक्ष्य के बहुत करीब जाओगे। और किसके लिए आप जन्मे हो, आपका क्या लक्ष्य है, और आपके, मैं बोलते हैं ना चंदन के पेड़ को खुशबू खूबे खूब अंदर से आती है, उसको बताना नहीं पड़ता कि उसकी खुशबू आ रही है। उसी प्रकार आपके जीवन में आपके सब रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लोग आपको मिलने के लिए तरस जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपका एक दोस्ती का एक ऐसा उनके साथ माहौल बनेगा। इसी सबसे चौथे महत्वपूर्ण बात की है कि हमारे जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं निकल जाएगी। और पांचवा और आखिरी फायदा मैं दिल से कहना चाहता हूं, आपको सही जीने का मकसद मिल जाएगा। अगर कोई दुखी है, जिसको कोई एंजाइटी है, जिसको कोई, बहुत सारे लोग को अटैक आते हैं, कौन से अटैक, जो पैनिक अटैक, जो बहुत घबरा जाते हैं, एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है, वो सब निकल जाएगा। मानसिक तौर पर मैं कहता हूं मन जिसका मजबूत होगा, देखो ये बात समझिए ठीक से, मैं पूरी तरह से जीवन बदलने का प्रयास क्यों कर रहा हूं। अब जब मेरे सेमिनार में लोग आते हैं तो मैं सबको कहता हूं, खासकर मैं अभी हर जगह पे पर्सनली जा रहा हूं, लोगों से जुड़ रहा हूं, तो मैं लोगों की समस्या देखता हूं। जब 1-2 महीने होने के बाद, सुनील जी हमें बहुत अच्छा लगने लगा है, हम मेडिटेशन करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगने लगा है। जो लोग बहुत परेशान थे उनकी परेशानियां कम हो चुकी है। पांच और आखिरी फायदा मैं कहूंगा, अब ठीक से समझिएगा कि भगवान की पूजा हम क्यों करते, क्यों, कौन से भगवान की हम प्रार्थना करते कि हमारा अच्छा हो। लेकिन आप बिना कुछ किए आपका अच्छा कैसे होगा, आपको अच्छा करने के लिए और होने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये करो, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, ना किसी का नाम लेके बोल रहा हूं, लेकिन याद रखना आप खुद भगवान हैं। और अप दीप भाव,
साईं बाबा का आशीर्वाद देके, आप बोलोगे फिर साईं बाबा का आशीर्वाद क्यों चाहिए? हो चाहिए, क्योंकि एक जगह पे आपका मन स्थिर होगा और उसी स्थिरता के साथ आप अपने जीवन में वो ऊर्जा पाओगे जो साई बाबा अपने भक्तों को देती है। और यही साई वाणी की शक्ति है। भक्ति और शक्ति के साथ जुड़ के हमें जीवन में क्रांति करनी है, क्योंकि क्रांति एक दिन में नहीं होती लेकिन एक दिन जरूर होती है। इस बात को मैं अस्तह दिल से कहूंगा। इसीलिए महान विचारों के साथ जुड़ने से पहले अपने विचार महान करें, खुद महान बनने का प्रयास करें। आप बना बताए मत आप महान है, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके बातों से, आपके विचारों से, आपके कार्य से, और आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको समाज में लाने तक का जो आपने प्रयास किया है, उसमें समाज के लिए जो आपने सेवा की, लोगों की जो सेवा की, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपने बदलाव लाया है, वो सब विषय में आपके जीवन में क्रांति होगी। क्योंकि आखिरी में मैं कहूंगा, खुद के लिए जियोगे भाइयों तो खत्म हो जाओगे, लेकिन दूसरों के लिए जियोगे तो याद रखना जिंदगी भर नहीं 100 पीढ़ियां तक याद रखोगे। क्योंकि जो दूसरों के लिए जिया है उसी का ही नाम आज अमर हुआ है, वरना बाकी लोगों को तो लोग यूं ही भूल जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ करो और जारी रखो। यही आज के साई वाणी का संदेश है। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साईं आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौड़, जिला पुणे, यहां साईं आंगन की। और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saivanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुँचाने के लिए saivanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुँच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो,
जारी रखो।